A oh, very good morning, everyone. Good morning, good morning. जय श्री राम हर हर महादेव अस्सलाम वालेकुम जय माता दी जय श्री कृष्ण जय द्वारकाधीश गुड मॉर्निंग एवरी वन हाउ आर यू गाइज डूइंग कैसे हैं आप सब लोग बढ़िया एकदम और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी क्लासेस Great, okay, all right, all right. गुड मॉर्निंग एवरी वन जो लोग मुझे जानते हैं आपको ऑलरेडी पता होगा लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं हाय मैं सी एस पार्श्वी पारेख हूँ येस yes, मैं आप लोगों को बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ाने वाली हूँ आज से लेकर पंद्रह दिन तक आपको घर पे कुछ भी नहीं पढ़ना है जितना मैं पढ़ाऊँगी बस उतना ही आपको पढ़ना है ठीक है जितना क्लास में होगा उतना ही आपको करना है और कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है बिजनेस कम्युनिकेशन ये जो सब्जेक्ट है ये आपका 50 मार्क्स के लिए है ठीक है और ये जो सब्जेक्ट है इसमें टोटल चार चैप्टर्स है सिर्फ चार चैप्टर्स ऐसा लगता है कि सिर्फ चार चैप्टर्स है लेकिन अगर हम ओल्ड सिलेबस के साथ कंपेयर करें तो ओल्ड सिलेबस में दे व एट चैप्टर्स और वो एट चैप्टर्स को कंबाइन करके ये चार चैप्टर्स के अंदर मर्ज कर दिया है ठीक है तो बेसिकली हमें ऐसा लगता है कि हम सिर्फ चार ही चैप्टर पढ़ने वाले हैं लेकिन एक्चुअल में हम लोग एट चैप्टर्स कवर करने वाले हैं तो उसमें से जो पहला चैप्टर है वो गुड इंग्लिश के बारे में है कि आप आपका इंग्लिश कैसे और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं बिकॉज as यू you नो know, एक कंपनी सेक्रेटरी का जो कमांड है इंग्लिश के ऊपर अच्छा होना चाहिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन जो होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं ठीक है ऑल राइट right, उसके बाद का जो चैप्टर है विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन ये वाले चैप्टर को आप थ्री स्टार मार्क दे सकते हैं ये चैप्टर है कम्युनिकेशन के ऊपर तो इसके अंदर सारी बातें लिखी हुई है कि बिजनेस कम्युनिकेशन कैसे होता है कम्युनिकेशन क्या होता है तो यार हमें ना ये चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है ऑल राइट right. इसके बाद बिजनेस करस्पॉन्डेंस करके एक चैप्टर है इसके अंदर लेटर राइटिंग फिर बिजनेस रिपोर्ट ऐसी सारी चीज है ये आप लोगों को लेटर ऑन समझ आएगी अच्छा सबका लिंक किससे होता है कम्युनिकेशन ेशन से होता है क्योंकि सब्जेक्ट का नाम ही है बिजनेस कम्युनिकेशन और लास्ट में कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज है ये वाला जो चैप्टर है ये चैप्टर के अंदर बेसिकली डिक्शनरी है बिजनेस के अंदर जितने भी शब्द यूज होते हैं बस वो सारे शब्द आपको एक साथ 400 500 शब्द दे दिए हैं और उसको क्या करना है एक बार ऐसा रीड करना है लेकिन अरे हम तो स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं ना जितना मैं बताऊंगी उतना ही अगर आपने कर लिया तो वो आपके लिए काफ़ी सफिशिएंट है मैम इसमें ग्रामर तो नहीं है ना अरे प्रबल इसमें ग्रामर भी है प्रहलाद सॉरी प्रल्हाद इसमें ग्रामर भी है लेकिन डोंट वरी आपको पूरा जो आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में ग्रामर सीखे हो ना पूरी उसकी याद आ जाएगी ऐसा ग्रामर है और हम लोगों को बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है ऊपर ऊपर से ही पढ़ना है ठीक है ओके एवरीवन सो नाउ दैट यू नो मी नाउ दैट यू नो सब्जेक्ट शुड वी स्टार्ट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे चालीसा नोट्स में से चालीसा नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ठीक है इसके साथ साथ अगर आपके पास चालीसा नोट्स नहीं है तो यहाँ पर ना डाउनलोड icsi सी मॉड्यूल एंड चालीसा रेगुलर नोट्स करके एक लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएगा जिनके पास अभी नोट्स नहीं है वो डायरेक्टली पर ध्यान दे सकते हैं ठीक है सो स्टार्ट चैप्टर नंबर दैट इज कम्युनिकेशन क्या आप सब रेडी हो अच्छा चलो एक बात मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि ये हमारी न्यू न्यू क्लास है ना आप तो अभी मुझे जानते भी नहीं हो यू नो एवरीबॉडी यू नो प्रवीण सर यू नो सूरज सर यू नो अभिजीत सर वेरी नाइसली तो मैं आपको मेरे बारे में बता देती हूँ देखो आप जितने एज के हो बस आपसे एक दो साल ही बड़ी हूँ, ठीक है इसके साथ साथ जब अगर आपको ऐसा लगे दीदी -दी, ये चीज़ नहीं समझ में आई है तो मैं आपसे पूछूंगी आ वी गुड टू गो तब आप मुझे डाउट पूछ सकते हो एंड इफ़ यू आर ओके विद द कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आ चुका है तो आपको सिर्फ जी टी जी विच मीन्स गुड टू गो दैट वी आर गुड टू गो ऐसा करके आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हो ठीक है और हम काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स लेंगे बढ़िया से इन्जॉय करके ये वाला जो सब्जेक्ट है वो सीखेंगे तो बिल्कुल भी टेंशन लेने का नहीं है इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होगी जो आपको ऐसे लगेगा अरे दीदी ये तो हमें पहले से पता है बस वही तो चाहिए अपन को यस ऑल राइट right, without further फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड chapter चैप्टर नंबर that दैट इज कम्युनिकेशन अरे दीदी पर ये तो बताओ कम्युनिकेशन होता क्या है क्या है ये कम्युनिकेशन मैं तो रस्ते से जा रही थी मैं तो भेल पूरी खा रही थी ठीक है तो क्या होता है कि मैं रस्ते से जा रही थी भेलपुरी पूरी खा रही थी अब मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? तो मिर्ची लग जाती है तो मैं खुद को ही बोलती हूँ अरे यार पार्श्वी क्या है ये अगर तुझे पता था कि तुझे तीखा लगेगा तो नहीं खाना चाहिए था ना ये और ऐसे में चलते चलते खुद से ही जोर जोर से बातें कर रही हूँ तो अब जो आजू बाजू से लोग जा रहे है वो सब मुझे ऐसा लुक दे रहे क्यों दे रहे वो लोग क्योंकि यहाँ तो मैं खुद से ही ज़ोर जोर से बातें कर रही हूँ ना अब जो भी लोग खुद से बात करते हैं हम उनको क्या बोलते हैं कि ये तो क्या है पागल है है ना और भी बड़े बड़े शब्द हैं लेकिन वो जाने देते हैं तो क्या होता है अरे जो भी लोग जाएंगे वो क्या सोचेंगे पागल है क्या खुद से बात कर रहे हैं खुद से कौन बात करता है वो भी ज़ोर जोर से दो लोग थोड़ी है एक ही तो पर्सन है स और नो तो कम्युनिकेशन की सबसे पहली बात ही ये है कि कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस है कम्युनिकेशन जब भी आप किसी के साथ करते हो तो दो लोगों का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है नहीं तो फिर लोग क्या समझेंगे लोग समझेंगे अरे वाह 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 क्या पागल लड़की है ये यस yes? ऑल राइट ऑल राइट सो कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस इट्स अ टू वे means. इट्स अ टू वे स्ट्रीट जहाँ दो लोगों का होना जरूरी होता है दो या दो से ज़्यादा लोग रहते तो चलेगा तभी कम्युनिकेशन हो पाएगा आप खुद के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हो ठीक है ऑल राइट कॉफ़ी with करण में भी कॉफी जो करण है वो अलग अलग सेलिब्रिटीज़ को बुलाता है ना खुद से जब बात करने लग जाएगा तब तो तक तो हमें और भी ज़्यादा क्या लगेगा समझ गए ना आप यस yes. All right. सो कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस दैट involves सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस थ्रू वर्बल एंड नॉन वर्बल methods. बाप रे बाप दीदी क्या है ये अरे जब मैं तुमसे बात कर रही थी सब समझ आ रहा था लेकिन अभी जो मैं करने वाली हूँ आप मुझे बताओ कि मैं क्या मीन कर रही हूँ ठीक है कुछ समझ आया क्या दीदी समझ आ गया हमें दीदी अरे तो ये जो हम लोग बात करते हैं ना इसे नॉन वर्बल मेथड्स कहा जाता है नॉन वर्बल मतलब जहाँ पर शब्द यूज़ नहीं होते हैं जहाँ पर हम लोग हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस हमारे जेस्चर्स हमारे हैंड मूवमेंट्स आई कॉन्टैक्ट से जो बातें हैं वो आंखों आंखों इशारों इशारों में कर लेते हैं yes ऑल राइट right, तो इसे जो जेस्टर्स के साथ होता है उसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं वर्बल तो आपको पता ही है जो हम लोग इतने टॉकेटिव लोग हैं हम लोग किस में आते हैं वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं क्योंकि बोलने को तो भाई चाहिए ही चाहिए ये सारी गर्ल्स रिलेट कर पाएगी है ना चलिए अब क्योंकि इन्हें ऐसे लगता है मतलब सी एस सी टी की मॉड्यूल को ऐसे लगता है कि आपको कम्युनिकेशन आ ही नहीं सकता है। इतने जल्दी इतने छोटे छोटे बच्चों को कैसे कम्युनिकेशन आ जाएगा तो इन्होंने ना बहुत सारी डेफिनेशन दी है जिसमें से जो इंपॉर्टेंट वाली डेफिनेशन है वो मैंने आपको अलग से लिख के दी है आपको सिर्फ यही तीन डेफिनेशन याद रखनी है अगर आप आपकी जो मॉड्यूल है उसमें देखोगे जो आपको स्टडी मटेरियल दिया हुआ है रेफरेंस रीडिंग मटेरियल दिया हुआ है उसमें देखोगे तो उसमें ना बहुत बहुत ही सारी बहुत ही सारी डेफिनेशन है मैं एक बार आपको बता देती हूं यस योर इट इज ये देखिए यहां पर आपको डेफिनेशन ही डेफिनेशन है बट ये डेफिनेशन कुछ भी इतनी काम की नहीं है और यार जब एमसी पेपर है तो हम क्यों इतना याद रखे क्यों इतना लर्न करे सीधी सी बात है ना तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं कि कम्युनिकेशन की डेफिनेशन के साथ अभी तक हमने सिर्फ दो बातें की है एक तो कम्युनिकेशन वर्बल मतलब बोल के या फिर नॉन वर्बल मतलब एक्शन से हुआ जाता किया जाता है ठीक है और कम्युनिकेशन हमेशा करने के लिए दो या दो से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है आप खुद से ही कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हो ठीक है ओके सो व्हाट आर द डेफिनेशंस ऑफ कम्युनिकेशन सबसे पहली डेफिनेशन है न्यूमेन और समर की ये दो लोग हैं जो कम्युनिकेशन को डिफाइन कर रहे हैं न्यूमन एंड समर कहते हैं कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्स आइडियाज ओपिनियंस और इमोशंस बाय टू ओ मोर पर्सन्स दीदी ये हमें कैसे याद रहेगा तो देखो बहुत ही सिंपल तरीका है ये डेफिनेशन कही किसने है न्यूमैन और समर ने समर मतलब कौन अरे धूप काला धूप काले ने ये डेफिनेशन कही है ऐसे करके याद रखोगे तो एकदम अच्छे से याद रह जाएगा ठीक है ट्राइड एंड टेस्टेड है तो धूपकाला कहता है कि कम्युनिकेशन क्या है अरे ये तो एक्सचेंज है कोई भी जब फैक्ट हम किसी के साथ शेयर करते हैं कोई आइडिया शेयर करते हैं कोई हमारा ओपिनियन बताते हैं या फिर ये बताते हैं कि अरे भाई बहुत गर्मी है बहुत गर्मी है ऐसा धूपकाला है कि क्या ही बताए ये हम क्या कर रहे हैं हमारे इमोशंस शेयर कर रहे हैं तो ये वाली डेफिनेशन किसने कही है न्यूमेन और समर ने कही है धूपकाले ने कहा है कि कम्युनिकेशन क्या है ये तो एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स आइडियाज ओपिनियंस एंड इमोशंस है क्योंकि जो धूपकाला है वो धूप में रह रह के टैन हो जाता है उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं एकदम इमोशनल हो जाता है और वो क्या कहता है कि कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स आइडियाज ओपिनियंस एंड इमोशंस क्योंकि धूपकाले में हम लोग यूसुअली क्या बात करते हैं यार बहुत गर्मी है कुछ भी बोलो आज तो बहुत ही ज्यादा गर्मी है है ना बोलते हैं ना और जब विंटर चालू होता है अरे यार क्या बात है तो हम ऐसे याद रखेंगे कि धूपकाला क्या है काफी इमोशनल है ठीक है तो वो क्या एक्सचेंज करता है कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स आइडियाज ओपिनियंस एंड इमोशंस जब हम किसी के साथ हमारे इमोशंस शेयर करते हैं वो डेफिनेशन किसने कही है धूपकाले ने कही है वो डेफिनेशन किसकी है कम्युनिकेशन की है ठीक है ओके okay, अभी नेक्स्ट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू लेलेन ब्राउन कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन एंड इंटरचेंज ऑफ आइडियाज़ फीलिंग्स और कोर्स ऑफ एक्शन दीदी जब आप ऐसे डेफिनेशन पढ़ते हो ना माइंड ब्लैंक हो जाता है क्या बोल रहे हो ठीक है तो ये डेफिनेशन किसने कही है लेलिन ब्राउन ने कही है ब्राउन मतलब कौन अरे वही काले की वजह से जो थोड़ा टैन हो गया था वही उसकी तो बात कर रहे है उसने उसका सरनेम चेंज करके क्या रख दिया ब्राउन रख दिया कि चलो टैन तो हो ही गया हो आई माइट एज वेल कीप माई सरनेम एज ब्राउन ठीक है तो जो टैन वाले हमारे लेलन जी है लेलन जी कहते हैं कम्युनिकेशन क्या है इट्स द ट्रांसमिशन एंड इंटरचेंज ऑफ फैक्ट्स आइडियाज फीलिंग्स और कोर्स ऑफ एक्शन पहले वो काफी अच्छे थे गोरे थे फिर उन्होंने वो सॉन्ग सुना हो काला शा काला ठीक है वो टैन हो गए टैन मतलब ट्रांसमिट उन्होंने क्या कर लिया ट्रांसमिट कर लिया ट्रांसमिशन हो गया ही चेंज हो गया, जज्बात बदल गए हालात बदल गए सब कुछ बदल गया एक ही बार में ठीक है यस सो इसका डेफिनेशन हम कैसे याद रखेंगे लेलैंड ब्राउन, ब्राउन ब्राउन क्या हो गया टैन हो गया टैन कैसे होते हैं अरे जब आप फेयर होते हो और फिर आप जब आप ट्रांसमिट हो जाते हो ब्राउन में धूप के वजह से तो इसीलिए लेलेन को हम कैसे याद रखेंगे ट्रांसमिशन से याद रखेंगे या फिर आप इसको कोर्स ऑफ एक्शन से भी याद रख सकते हो दीदी क्या लॉजिक है इसका और इसका लेकिन याद तो अच्छे से यही रहेगा ना येस और नो ऑल राइट चलिए ठीक है थर्ड डेफिनेशन है डेविस की अरे अब डेविस की डेफिनेशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है पता है क्यों क्योंकि डेविस ना उनकी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे थे बढ़िया बात कर रहे थे अपनी गर्लफ्रेंड से अरे गर्लफ्रेंड बनी नहीं थी बस बनने ही वाली थी और बात बात कर रहे थे और कैसी है तू वगैरह वगैरह रे बाप रे बाप पूरा ब्लश वश ठीक है एकदम से क्या होता है कि वो जो डेविस है ना उसके मम्मी पापा आ जाते हैं एकदम से उसके मम्मी पापा आ जाते और फिर डेविस जो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था अच्छा उसकी गर्लफ्रेंड का नाम पता है आपको क्या था उसकी गर्लफ्रेंड का नाम था संजना ठीक है उसकी गर्लफ्रेंड का नाम था संजना और जैसे ही उसके मम्मी पापा सामने आए डेविस डायरेक्टली बोलते हैं अच्छा चल संजय मैं तुझे बाद में कॉल करता हूँ ठीक है ओके बाय संजय संजना का एकदम से संजय बन गया कैसे 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 अरे ऐसे 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 मम्मी पापा सामने आ गए हैं तो हम थोड़ी ऐसे बता सकते हैं उनको नहीं तो वो तो चिढ़ाने लग जाएंगे ना तो क्या होता है कि वो जो उसके फोन पे संजना थी ना संजना को भी समझ में आ गया अरे डेविस के घर पे कोई आ गया होगा उसके मम्मी पापा सामने खड़े होंगे इसीलिए उसने मुझे संजय कह दिया होगा देख रहे हो प्रेम इसे कहते हैं प्रेम समझे सो एज पर डेविस कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनादर तो डेविस को हम अंडरस्टैंडिंग ये शब्द से याद रखेंगे क्योंकि डेविस और संजना के बीच में क्या था अंडरस्टैंडिंग था ना यस yes. अंडरस्टैंडिंग कहते हैं इसे ये सिर्फ प्यार व्यार में ही मिलता है और फिर डेविस ने सोचा यार इसकी तो डेफिनेशन बनानी पड़ेगी तो उन्होंने कम्युनिकेशन की ही डेफिनेशन बना ली और उन्होंने कहा कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ पासिंग इन्फॉर्मेशन एंड एक बारिवाइज करा देती हूँ तीनों भी सबसे पहली हम लोगों ने देखी धूप काले की डेफिनेशन धूप काला कहता है कि कम्युनिकेशन क्या है इट्स एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स आइडिया क्योंकि धूप काले में हम लोग क्या करते हैं अरे बहुत गर्मी है भाई बहुत पसीना निकल रहा है बहुत गर्मी है इतना धूप है यही बातें करते हैं क्या कर रहे हैं हम लोग हमारे ओपिनियंस शेयर कर रहे हैं हमारे इमोशंस शेयर कर रहे हैं तो ये डेफिनेशन किसने कही है समर ने कही है दूसरा हम लोगों ने पढ़ा लेलन ब्राउन की डेफिनेशन लेलन ब्राउन क्योंकि टैन हो गया है बेचारा तो उसने कहा कम्युनिकेशन क्या है इट्स द ट्रांसमिशन एंड इंटरचेंज ऑफ फैक्ट्स आइडियाज फीलिंग्स और कोर्स ऑफ एक्शन और लास्ट में हम लोगों ने डेविस की डेफिनेशन पढ़ी क्योंकि डेविस जब उसकी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था उन लोगों के बीच की जो अंडरस्टैंडिंग थी वो देखते हुए उन्होंने कहा Communication is a process of passing information and understanding from one person to another. Alright, everyone. Ye, theek hai. Let's move forward with. The next topic that is significance of communication. You guys ऐसे करके जब आप याद रखते हैं तो आपको वो ज़्यादा समय तक के definition याद रहेगी और आपको confusion भी नहीं होगा ठीक है और अगर आपको hard work करना ही है तो फिर पूरी की पूरी definition ही learn कर लो फिर तो मतलब क्या ही बोलूँ मैं Smart work करने के ज़माने में hard work नहीं चलता है ठीक है चलिए स्टार्टिंग विद द सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन अब हम लोग ये बात करते हैं कि कम्युनिकेशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कोई भी दो लोग कोई भी दो से ज़्यादा लोग क्यों इतना कम्युनिकेशन पे बिलीव करते हैं ह्यूमन रिसोर्स में कम्युनिकेशन क्यों इतना ज़रूरी होता है क्योंकि सबसे पहली चीज़ है कि इट्स द बेस फॉर एक्शन जब भी कोई चीज़ की शुरुआत होती है वो कम्युनिकेशन से ही होती है अगर कोई पर्सन रूम में आ रहा है आप उससे बात करते हो कि नहीं करते हो और अगर नहीं भी करते हो ना तो उसको जज तो ज़रूर कर लेते हो किस चीज़ से जज करते हो कि वो कैसे बोल रहा है वो कैसे बात कर रहा है वो कैसे जैस थ्रो कर रहा है येस सो स्टार्टिंग ऑफ एनी एक्टिविटी बिगिन द कम्युनिकेशन विच ब्रिंग्स इन्फॉर्मेशन नेसेसरी टू बिगिन विथ यस अगर हमें कोई कंपनी में जॉब चाहिए है तो उनको ऐसे ही सपना आ जाएगा कि अरे 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 इनको हम अपॉइंट कर देते हैं नहीं हमको पहले हमारा रेज्यूमे उनको देना पड़ेगा फिर वो हमारे साथ कम्युनिकेशन एक कॉन्वर्जेसन चालू करेंगे सो इट्स द बेस फॉर एवरी एक्शन इट्स बेस फॉर एक्शन दूसरा है प्लानिंग एकदम ईजी बन जाती है यार जब भी हम लोग बातचीत करके कोई चीज करते हैं चालू तो प्लानिंग तो ईजी होगी ना क्योंकि अब हमें पता है अगर आपको पता ही नहीं होता कि आपका क्लास कितने बजे रहने वाला है सपोज मैंने आपको बोल दिया कि कल हमारा क्लास रहेगा ठीक है और मैंने आपको टाइम ही नहीं बताया मैंने आपको प्लेस ही नहीं बताया कि यूट्यूब पे होगा कि जूम पे होगा तो क्या होगा हमें पता ही नहीं चलेगा कितने बजे होगा वो भी पता नहीं चलेगा लेकिन जब हम लोग कम्युनिकेट करते हैं तो इससे क्या हो जाता है प्लानिंग इजी हो जाती है मैंने आपको बोल दिया कि कल हम लोग शाम को साढ़े छः बजे मिलेंगे यस यस ऑल राइट सो इससे क्या हो गया प्लानिंग इज इजी मींस ऑफ कोऑर्डिनेशन जब आपको आपके फ्रेंड्स लोगों के साथ कोई कैफे या कोई रेस्टोरेंट या फिर कोई जगह जाना होता है तो पहले ग्रुप चैट पे चालू हो जाते भाई तू निकला क्या अरे मैं तो निकल गई हूँ ऐसा वैसा ठीक है उसके बाद जब हम निकलने वाले होते तब हम हमारे फ्रेंड्स को कॉल करके बोलते हैं अरे मैं निकल रही हूँ मैं निकल रही हूँ तू भी तेरे घर से निकल जा हाँ हाँ बस दस मिनट लगेंगे मुझे पहुंचने के लिए तो ये सब क्या हो रहा है अरे इसी को तो कोर्डिनेशन बोलते हैं ना सो कम्युनिकेशन की वजह से आप अच्छे से कोऑर्डिनेट कर सकते हो बाकी लोगों के साथ अब आप आगे चल के जब जॉब करोगे तो बाकी लोगों के साथ आपको काम करना पड़ेगा ना यस yes. तो बाकी लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन ऐसे ही तो होगा यस और नो स यू गाइज ऑल राइट नेक्स्ट है इट एज इन डिसीजन मेकिंग अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो उसके लिए कम्युनिकेशन आपको बहुत काम आता है क्योंकि कम्युनिकेशन से ही जितना ज्यादा डेटा आप कलेक्ट कर सकते हो जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हो उसके बेसिस पे आप डिसीजन अच्छे से ले पाते हो प्रोवाइड इफेक्टिव लीडरशिप और कम्युनिकेशन स्किल ब्रिंग्स मैनेजर नियर टू हे सबॉर्डिनेट्स क्यों क्योंकि सपोज मैंने प्लान बनाया है और मैंने प्लान बनाया कि कल हम लोग सब कहा जाएंगे एक जगह जाएंगे समोसा खाने के लिए सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के लिए ठीक है तो अब क्योंकि मैंने प्लान बनाया मैं सबके साथ कोऑर्डिनेट करूंगी अरे आपको आना है आपको आना है ये वाले टाइम पे हम लोग निकलने वाले हैं ऐसा करते हैं वैसा करते हैं पिकनिक पे जाते हैं उसके बाद हम यहां से यहां चले जाएंगे वट इज दिस दिस इज माई लीडरशिप जो कम्युनिकेशन है वो लीडरशिप भी लेकर आता है आपको पता नहीं होगा लेकिन अगर घर पे कोई मेहमान आने वाला है ना आप खुद एकदम लीडरशिप मोड में चले जाते हो या अगर आप नहीं जाते होगे तो आपकी मम्मा तो पक्का से जाती ही होगी है ना ऑल राइट एंड कम्युनिकेशन बूस्ट मॉरल एंड मोटिवेशन सो जब भी हम किसी के साथ इफेक्टिवली कम्युनिकेट करते हैं ना उससे एक कॉन्फिडेंस आ जाता है जैसे अभी एक दो क्लासेस हो जाएगी यू विल गेट टू नो मी आई विल गेट टू नो यू फिर हमें एक दूसरे पे क्या आ जाएगा कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो इससे क्या होता है हमारा मॉरल बूस्ट हो जाता है हमारा जो एटीट्यूड है जो बिहेवियर है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टिंग हो जाता है येस yes? ऑल राइट right. और वो काम करने की हमें और ज़्यादा मोटिवेशन भी मिलती है तो इसीलिए कम्युनिकेशन क्या है इंपॉर्टेंट है क्या क्या रीजन्स है बिकॉज इट्स द बेस फॉर एक्शन प्लानिंग ईजी बन जाती है डिसीजन मेकिंग के लिए हमें हेल्प हो जाती है इट प्रोवाइड्स इफेक्टिव लीडरशिप और हमारा जो मोटिवेशन है वो हमें मिल जाता है वो ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है येस एब्सोल्यूटली शिवी वो ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन अभी हम लोग आ जाते हैं डेफिनेशन ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन पे अभी तक जो हम पढ़ रहे थे दैट वाज़ जस्ट कम्युनिकेशन लेकिन अब हम लोग बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होते हैं क्या होता है वो देखने वाले हैं तो अभी तक के आवी गुड टू गो यू गाइस जल्दी से एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए आवी गुड टू गो यस इफ वी आर तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो यार है ना वॉचिंग इतनी सारी है और लाइक्स इतने कम है ये तो नॉट फेयर है जी नॉट फेयर है चलिए ठीक है लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन Newman और समर धूप काला फिर से आ चुका है देखो तब मैंने आपको इसीलिए इतने अच्छे से डेफिनेशन करवाई क्योंकि ये सेम डेफिनेशन बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए भी उन्होंने बोली है कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स आइडियाज ओपिनियंस और इमोशंस बाय टू और मोर पर्सन ये हमारा हो चुका है यहाँ मैं टिक करती हूँ अकॉर्डिंग टू रोजन ब्लेड बिजनेस कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज और ओपिनियंस इंफॉर्मेशन ऑर्डर्स एंड द लाइक एक्सप्रेस आई द पर्सनली और नॉट थ्रू सर्टिन साइंस और सिम्बल्स टू अचीव सर्टिन कंपनी गोल्स अभी सुन के तो आपको ऐसा लग रहा होगा दीदी क्या बोला so, सो रोज इन ब्लेड हम इसको एज अ रोज याद रखते हैं कि रोज़ क्या कहती है रोज़ कहती है कि बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हम हमारे आइडियाज ओपिनियंस इन्फॉर्मेशन सब सब एक्सचेंज करते हैं ठीक है थीके? लेकिन हम कीवर्ड क्या याद रखेंगे कंपनी गोल्स को अचीव करने के लिए अरे जो बातचीत हम लोग करते हैं ना एक कंपनी के अंदर एक बिजनेस के अंदर कंपनी के जो गोल्स है उसको अचीव करने के लिए उसे बिजनेस कम्युनिकेशन कहा जाता है यस एवरीवन सो रोजिन को या तो आप ऑर्डर से याद रख सकते हो या तो आप ऑर्डर से याद रख सकते हो या फिर सबसे सिंपल है कंपनी गोल्स क्योंकि रोजन ब्लेड ने बिजनेस कम्युनिकेशन की डेफिनेशन बता बताई है और बिजनेस कम्युनिकेशन में बेसिकली हम लोग बातचीत कर रहे हैं बिजनेस के लिए येस और नो एक बिजनेस के अंदर हम लोग क्यों बात करेंगे क्योंकि अरे हमारा बिजनेस है ना हमें हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाना है प्रॉफिट कमाना है सेल्स करनी है अच्छी अच्छी तो जो कंपनी के गोल्स है वो अचीव करने के लिए जो कम्युनिकेशन होता है उसे क्या कहा जाता है यू गाइस उसे बिजनेस कम्युनिकेशन कहा जाता है ऑल राइट नेक्स्ट डेफिनेशन पे आ जाते हैं दैट इज बाय ब्रेनिन ब्रेनिन क्या कहता है वट डज ब्रेन इन से बिजनेस कम्युनिकेशन इज द एक्सप्रेशन चैनलिंग रिसीविंग इंटरचेंजिंग ऑफ आइडियाज इन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अब देखो यार बिजनेस कम्युनिकेशन का सिंपल मतलब यही है वही बातें जो अपन कम्युनिकेशन में बिजनेस के लिए करते हैं दैट इज बिजनेस कम्युनिकेशन लॉजिकल है ठीक है, लेकिन सब लोगों को अलग 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 तरीकों से हमें बताना है सब लोगों का जो तरीका है वो अलग है तो ब्रेनन कहता है कि बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है इट इज द एक्सप्रेशन एंड द चैनलिंग ये जो शब्द है ना चैनलिंग हमें इससे याद रखना है कि ब्रेनिन ने क्या कहा है ब्रेनिन कह रहा है कि बिजनेस कम्युनिकेशन ये एक एक्सप्रेशन है एक चैनलिंग है रिसीविंग है और इंटरचेंजिंग ऑफ आइडियाज है इन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यस देखो बात वही है सिर्फ शब्द बदल रहे हैं ठीक है थीके? एंडस्ट डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू ऑक्सवर्ड लिविंग डिक्शनरी जो कि कहता है अरे अभी ऑक्सफर्ड रह गया ना अभी ये तो डिक्शनरी है तो इसके अंदर तो ये शब्द रहना ही है ठीक है तो उन्होंने भी एक डेफिनेशन कह दिया क्या द इम्पार्टिंग और एक्सचेंजिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन बाई स्पीकिंग राइटिंग और यूजिंग अदर मीडियम तो दीदी ये वाला डेफिनेशन कैसे याद रखे द इम्पार्टिंग और एक्सचेंजिंग डिक्शनरी क्या करती है डिक्शनरी कोई भी शब्द का मीनिंग इम्पार्ट करती है एक्सचेंज करती है तो इसीलिए हम इसको ऐसे ही याद रखेंगे कि इट्स द इम्पार्टिंग और एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय स्पीकिंग राइटिंग और यूजिंग सम अदर मीडियम जो हम लिख के या बोल के या कोई और मीडियम से कम्युनिकेशन करते हैं उसे क्या कहा जाता है उसे बिजनेस कम्युनिकेशन कहा जाता है सो डन गुड टू गो एक बार जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बता देंगे ऑक्सफर्ड लिविंग डिक्शनरी को हम कैसे याद रखेंगे इंपॉर्टिंग और एक्सचेंजिंग ये दो की याद रखेंगे ठीक है आवी गुड टू गो यू गाइस आ वी गुट टू यस चलिए ठीक है लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द रीजन्स वाई बिजनेस कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट अरे बिजनेस कम्युनिकेशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है क्यों हम लोग इतने टाइम से सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन के ऊपर इतनी चर्चा कर रहे हैं क्योंकि कम्युनिकेशन से प्रोडक्टिविटी इनक्रीज होती है देखो अब यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंस पता है किसका दिया है कम्युनिकेशन का नहीं दिया है बिजनेस कम्युनिकेशन का दिया हुआ है येस yes? बिजनेस के अंदर कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है क्यों इम्पोर्टेंट है वो दिया हुआ है सो so, इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी बिजनेस पार्टनरशिप्स और अच्छे हो जाएंगे क्योंकि हम लोग क्या करते हैं हम लोग हमारे रिलेशन मेंटेन करते हैं ना ऐसे ही बिजनेस के अंदर जो पार्टनर्स होते हैं वो अपनी पार्टनरशिप्स को मेंटेन करते हैं उसे एनहैंस करने के लिए भी हम कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं येस इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग कस्टमर्स जितना अच्छा आपका बिजनेस कम्युनिकेशन होगा उतना ही तो अच्छा आपका बॉन्ड होगा आपके कस्टमर्स के साथ तो आगे चल के सपोज आपको कोई भी बिजनेस चालू करना है ये चीज हमेशा युवाइज आपको ध्यान रखनी है कि जो आपके कस्टमर्स है उसके साथ आपका बिजनेस कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए यस ऑल राइट नेक्स्ट इज फैसिलिटेट्स इनोवेशन इन बिजनेस जब हम लोग किसी के भी साथ बिजनेस कम्युनिकेशन अच्छे से करते हैं तो हमें और आइडियाज जानने को मिलती है हमारे बिजनेस को और न्यू न्यू आइडियाज और न्यू न्यू इन्वेंशन इनोवेशन इससे हम लोग नोन uh, होते हैं यस इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज सपोज मैं टाटा हूँ आप रिलायंस हो तो अब रिलायंस में क्या नया चल रहा है आपको क्या लगता है जो मुकेश अंबानी है और जो टाटा का सीईओ वगैरह है वो लोग मिलते होंगे क्या ऑफकोर्स वो लोग मिलते ही है तो मिलते हैं तो क्या होती है बिज़नेस के आइडियाज़ एक्सचेंज होती है इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होती है तो इससे क्या होता है हमारे बिजनेस कम्युनिकेशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है जिससे हमारा इन्फॉर्मेशन और बढ़ता है एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्लान एंड पॉलिसीज़ कोई भी प्लान बनाना हो कोई भी पॉलिसी फ्रेम करनी है तो उसके लिए आपका कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए अच्छा होना चाहिए मतलब आपको एम्प्लॉयज के साथ भी अच्छे से बना के रखती है आपके जो कंपनी के बाहर वाले लोग हैं उनके साथ भी आपके जो कस्टमर है उनके साथ भी आपके जो वेंडर्स है मतलब आपके कंपनी के आजू बाजू जितने भी लोग हैं यू शुड अ वेरी गुड बिजनेस कम्युनिकेशन ओके अब आप सोच रहे इतना सारा क्यों समझा रहे हैं वो लोग तो मैं आपको बता दूं जब आप बड़े हो जाओगे जब आप बिजनेस करने लग जाओगे जब आप कोई कंपनी के अंदर कंपनी सेक्रेटरी होगे तो आपका मेन काम ही ये रहेगा कि आप सबके साथ जो आपका बिजनेस रिलेशन है वो मेंटेन करके चले बिकॉज अ कंपनी सेक्रेटरी इज अ फैसिलिटेटर, इट्स अ कोऑर्डिनेटर इन अ ऑल राइट चलिए मूविंग फॉरवर्ड टू द टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन कौन से कौन से टाइप के बिजनेस कम्युनिकेशन होते हैं लेकिन उसके पहले जल्दी से आप मुझे बता दीजिए वी गुड टू गो क्या यहाँ तक के आपको समझ में आ रहा है या नहीं वी गुड टू गो जल्दी से फटाफट फड़ से बता दीजिए यस यू गाइस ओके तो हमें भी गुड कम्युनिकेशन आनी चाहिए एब्सोल्युटली शिवी लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन एक कंपनी के अंदर या एक बिजनेस के अंदर चार टाइप के बिजनेस कम्युनिकेशन्स होते हैं ठीक है ठीके? अब मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉइंग बताती हूँ देखो मुझे ड्राॅइंग करना भी आता है ठीक है चलिए ये रास्ता है हमारा ये हमारी कंपनी है ठीक है दिस इज आवर कंपनी बहुत ही बढ़िया कंपनी है और यहां पर हम बैठे हैं ये हम हैं ओके तो हम लोग जब कंपनी में आपस में बात करते हैं हम सेम कंपनी के हैं आप भी यही कंपनी में काम करते हो मैं भी यही कंपनी में काम करती हूँ और हम दोनों जब आपस में बातचीत करते हैं इसे क्या कहा जाता है इसे इंटरनल कम्युनिकेशन कहा जाता है इंटरनल बिजनेस कम्युनिकेशन व्हाट इज दिस कॉल्ड एस दिस इज इंटरनल बिजनेस कम्युनिकेशन आप सेम कंपनी के हैं आप सेम कंपनी सेम ऑर्गेनाइजेशन सेम बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं तो हम उसे क्या कहेंगे हम उसे इंटरनल बिजनेस कम्युनिकेशन कहेंगे ठीक है ओके okay. अभी हम लोग बात करते हैं और एक कंपनी की लेट्स यहाँ पर ठीक है ये और एक ऐसी कंपनी है इसकी जो विंडोज है वो थोड़ी ट्रायंगल शेप की है यहाँ पे हम हैं और यहाँ पर है वैशु ठीक है वैशु कौन है वैशु मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड है ठीक है और ये मैं हूँ मैं तो ये कंपनी के अंदर काम करती हूँ लेकिन जो वैशु है ना वो अभी सी एस सी टी में ही है ऑब्वियसली वो कंपनी में काम नहीं करती है वो कंपनी के बाहर वाले लोगों में आती है लेकिन क्योंकि मैं और वो अच्छे फ्रेंड्स हैं तो हम लोग फ़ोन पे बात कर रहे थे और क्योंकि उसका एक बहुत अच्छा बिजनेस है तो मैं उसको बोल रही थी कि चल यार अपन कुछ मिलके अच्छा सा और मेरे कंपनी के लिए मुझे ये ये चीज़ चाहिए थी तो अपन बिज़नेस करते हैं ऐसा तो मैं किससे बात करूं मैं तो वैशु से बात करूं लेकिन वैशु कौन है ये तो कंपनी की बाहर वाले लोग में आती है तो जब हम दोनों बात करते हैं तो इसे एक्सटर्नल बिजनेस कम्युनिकेशन कहा जाता है व्हाट इज दिस दिस इज एक्सटर्नल बिजनेस कम्युनिकेशन क्यों बिकॉज आई एम टॉकिंग विथ समन हु इज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन हु इज आउटसाइड द कंपनी हु इज आउटसाइड द बिजनेस यस यस एवरी वन ऑल राइट तो यहां पर एक होता है इंटरनल कम्युनिकेशन इंटरनल बिजनेस कम्युनिकेशन और दूसरा होता है एक्सटर्नल बिजनेस कम्युनिकेशन क्या ये दोनों ही आपको समझ में आ चुके हैं यस आर वी गुड टू गो चलिए ठीक है तो जो सबसे पहला टाइप है चार टाइप्स में से वो है इंटरनल बिजनेस कम्युनिकेशन इंटरनल बिजनेस कम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेशन दैट अकर्स विद इन द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनी के अंदर वाले लोग आपस में बातचीत करते हैं उसे क्या कहा जाता है इंटरनल बिजनेस कम्युनिकेशन कहा जाता है सो दिस कम्युनिकेशन इंक्लूड्स बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इसमें अगर आप अच्छे से बात करते हैं वो भी आ जाता है अगर आप पर्सनल लेवल पर बात करते हैं वो भी आ जाता है जो आप गोसिप वॉसिप करते हैं वो भी में ही आ जाता है जब दो लोग जो कम, सेम कंपनी के हैं वो आपस में बात करते उसे इंटरनल कम्युनिकेशन कहा जाता है लेकिन 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 इतना सिंपल नहीं है ये तो आपको भी आ जाता था अब इंटरनल कम्युनिकेशन के अंदर और दो टाइप्स है एक है इंटरनल अपवर्ड कम्युनिकेशन और दूसरा है इंटरनल डाउनवर्ड कम्युनिकेशन अपवर्ड का मतलब है जो ऊपर आ रहा है जो ऐसे एरो जाता है ऊपर की तरफ एरो जा रहा है उसे अपवर्ड कम्युनिकेशन कहा जाता है अपवर्ड मतलब जो ऊपर जा रहा है तो आपको पता होगा कि एक कंपनी के अंदर ना ऐसे पूरी हाइराकी होती है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो टॉप लेवल के लोग होते एकदम टॉप मैनेजमेंट में आते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं वो बीच वाले लोग होते हैं जिनको टॉप की बातें भी सुननी पड़ती है और नीचे उन लोगों के उनके जो नीचे उनके जो अंडर लोग हैं उनसे भी सारी बातें करनी पड़ती है और नीचे आते हैं लोअर लेवल वाले लोग इनका काम डे टू डे टाइप का होता है जो टॉप ने मिडिल को बोला होता है और जो मिडिल ने लोअर को बोला होता है वो उनको सुनना पड़ता है यस तो ऐसे तीन लेवल्स होते हैं तीन हायरार्कीज होती है कोई भी कंपनी के अंदर आप कहीं पे भी कोई भी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी कंपनी में जाओगे तो ऑब्वियसली कुछ ऐसे लोग होंगे जो बेस लेवल पे काम कर रहे हैं कुछ ऐसे लोग होंगे जो मिडिल लेवल पे और कुछ ऐसे लोग होंगे जो टॉप लेवल पे है जब आप सी बन जाओगे तो आप टॉप लेवल में ही आने वाले हो तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो और मुझसे मत पूछना कि दीदी सी कौन से लेवल पर आता है आई नो आई नो एक क्वेश्चन तो पक्का से चार्ट बॉक्स में आया ही होगा मुझे पता है सी टॉप लेवल में आता है ठीक है चलिए इनफैक्ट सी एस की मैनेजेरियल पर्सनल में भी आता है ओके बट दैट्स फॉर अ डिफरेंट डे अभी हम लोग बात करते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन की सो इंटरनल अपवर्ड कम्युनिकेशन मीन्स जो मेरे मतलब ऐसे छोटे छोटे से इंटर्न टाइप के लोग हैं जो एकदम बेस लेवल पे काम करते हैं यस yes, वो इसमें आ जाते हैं जब अगर उनके पास कोई आइडिया है तो वो किसको बोलते हैं वो उनके ऊपर के लेवल को बोलते हैं फिर वो उनके ऊपर के लेवल के लोगों को बोलते हैं और उनके ऊपर के लेवल के लोगों को वो इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा पास ऑन करते हैं जैसे टॉप लेवल में सी वगैरह लोग आते हैं सी या फिर सी एस सी एफ ओ मैनेजिंग डरेक्टर्स ये सब लोग इसमें आते हैं होल टाइम डरेक्टर्स ये सब लोग इसमें आते हैं उसके बाद मिडिल लेवल में मैनेजर्स वगैरह आ जाते हैं सीनियर मैनेजर्स या फिर डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट वो लोग भी आ सकते हैं फिर उसके बाद लोअर लेवल में जूनियर मैनेजर आते हैं उसके लोअर लेवल में और इंटर्न वगैरह जो रखे हैं वो आते हैं तो हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि रोशन है यस yes, रोशन अभी क्या है वो एक इंटर्न है अभी अभी उन्होंने सी एस खत्म किया और वो इंटर्न है बट उनके पास बहुत सारी आइडियाज होती है तो वो क्या करते हैं वो ना अपने ऊपर जो उनके ऊपर जो मैनेजर होते हैं वो उनके साथ शेयर करते है. जो उनका मैनेजर होता है वो उनके सीनियर मैनेजर के साथ शेयर करते हैं वो उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट के साथ शेयर करते हैं और ऐसे करते करते रोशन की जो बात थी ना वो कंपनी के सी ई के पास चली गई कौन है कंपनी का सी ई ओ शिवी है शिवी तब तक सीईओ बन चुकी थी यस yes. ठीक है ऑल राइट right. तो जब नीचे से बात ऊपर जाते उसे क्या कहते हैं उसे अपवर्ड कम्युनिकेशन कहा जाता है डन आर वी गुड टू गो क्या आपको समझ आ चुका है चलिए ठीक है इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है अपवर्ड बिजनेस कम्युनिकेशन के ये भी हम लोग एक बार देख लेते हैं सो इट इंक्लूड्स बॉटम टू टॉप अप्रोच क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहा है तो बॉटम टू टॉप मतलब सबॉर्डिनेट से सुपीरियर तक जा रहा है यस ऑल राइट चर इज पार्टिसिपेटिव क्योंकि रोशन के पास आइडिया थी इसीलिए उन्होंने खुद से ही सामने वाले को बोला उनके जो ऊपर वाले लोग हैं उनको बोला उन्होंने उनके ऊपर पास ऑन किया यस द मेन पर्पज इज टू प्रोवाइड टाइमली फीडबैक सजेशंस रोशन भी क्या दे रहा था उनका आइडिया शेयर कर रहा था उनका सजेशन दे रहे थे मेकिंग रिक्वेस्ट एस्कलेटिंग एनी कंसर्न और इशूज टू द सुपीरियर्स जब हमें सुपीरियर को बोलना है कि सर uh, ये वाली जो चीज़ है ना ये अच्छे से नहीं चल रही है अपने कंपनी के अंदर तो मैं कैसे पास ऑन करूंगी मैं मेरे सुपीरियर को बोलूंगी वो उनके सुपीरियर को बोलेंगे वो उनके सुपीरियर को बोलेंगे ऐसे कर करके इन्फॉर्मेशन ऊपर तक जाती है सो द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन इज फ्रॉम लोअर लेवल टू अपर लेवल लोअर लेवल टू अपर लेवल यस चलिए ठीक है जो दूसरा कैटेगरी है वो इंटरनल डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का है अगर अपवर्ड में जो नीचे के लेवल के लोग हैं वो अगर बात ऊपर पहुंचा रहे हैं कुछ सजेस्ट कर रहे हैं कुछ इशू बता रहे हैं तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होगा इट्स द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ अपवर्ड कम्युनिकेशन एग्जैक्ट ऑपोजिट अब यहाँ क्या होता है जो हमारी मैनेजिंग डायरेक्टर है ना क्या नाम था शिवी यस yes, शिवी हमारी मैनेजिंग डायरेक्टर है एम है उसको एक बहुत अच्छा आइडिया आता है वो उसके अंडर में जो जनरल मैनेजर है करण उसको बताती है करण उसके असिस्टेंट जनरल मैनेजर को बताते हैं जो कि है सलोनी ठीक है सलोनी उसके अंदर जो डिपार्टमेंटल हेड होते हैं हार्दिक उनको चीज़ बताते हैं फिर हार्दिक तो डिपार्टमेंटल हेड है वो उनके अंडर जो सुपरवाइजर्स है वो सुपरवाइजर्स को बताते हैं जैसे कि संजना और संजना फिर फाइनली बताती है समीर को चूँकि वहाँ पर इंटर्न इंटर्न रहता है ऐसे करके जो सारी इंफॉर्मेशन है वो मैनेजिंग डायरेक्टर से किसके पास तक जाती है जो भी इंस्ट्रक्शन जो भी उन्होंने ऑर्डर पास किया होगा वो वो सारे लोगों को पता चलती है बातें तो क्योंकि वो मैनेजिंग डायरेक्टर है तो ये थोड़ा ना कोई सजेशन देंगे ये क्या देंगे ऑर्डर देंगे ये बोलेंगे ऐसा करना है ऐसा हो जाना चाहिए क्यों क्योंकि ऊपर के लेवल के लोग हैं जो नीचे के लेवल के लोगों को जो अपने एम्प्लॉय को काम बता रहे हैं डेलीगेट कर रहे हैं तो उनका जो टोन भी रहेगा वो कैसा रहेगा ऑर्डर टाइप का रहेगा ठीक है चलिए सो वट आर दैरक्टरिस्टिक्स ऑफ डाउनवर्ड इंटरनल बिजनेस कम्युनिकेशन लेट्स इट इंक्लूड्स टॉप टू बॉटम अप्रोच जो सुपीरियर्स है वो अपने सबोर्डिनेट्स को बात बताते हैं यस yes? इट्स नेचर इज डिरेक्टिव डिरेक्टिव का मतलब है ऑर्डर टाइप का ऑर्डरली टोन होता है उनका डिरेक्टिव होता है कि जस्ट डू दिस डू दैट वी शुड हैव दिस वी शुड हैव अ लुक एट दैट थिंग ऐसा मेन पर्पज इज टू कम्युनिकेट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव प्लान प्रोसीजर्स एंड इंस्ट्रक्शंस यहां पर कोई सजेस्ट नहीं कर रहा है कि अरे तुम कर लेना ना नो ये करना है ये हमारे कंपनी का ऑब्जेक्टिव है ये हमारा प्लान है सो द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज फ्रॉम अपर लेवल टू लोअर लेवल यस समझ आई बात आ वी गुड टू गो चलिए ठीक है और एक जो कम्युनिकेशन है ये हॉरिजोंटल बिजनेस कम्युनिकेशन है ये सबसे ज्यादा इजी है और इस पर आपको क्वेश्चन आना ही आना है तो इसको आप थ्री स्टार मार्क कर दो इजी भी है क्वेश्चन भी पूछने वाले हैं एकदम ही बढ़िया है आपका तो है ना सो नाउ व्हाट इज हॉरिजोंटल कम्युनिकेशन हॉरिजोंटल कम्युनिकेशन ऐसा कम्युनिकेशन होता है जब एक ही कंपनी के अंदर हम सब सेम लेवल पे हो अब आपको पता होगा कि एक कंपनी के अंदर ना बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं सीएस डिपार्टमेंट होता है फिनेंस डिपार्टमेंट होता है सेल्स डिपार्टमेंट होता है एचआर डिपार्टमेंट होता है आरएनडी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का अलग से डिपार्टमेंट होता है तो ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं आई का डिपार्टमेंट होता है ये येस और नो तो अब सारे डिपार्टमेंट्स में ये जो हैराकी हमने यहाँ देखी है ना ये हैराकी होगी जनरल मैनेजर्स होंगे डिपार्टमेंटल हेड होंगे हर एक डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर्स होंगे यस और नो तो सपोज मैं हूं सी की हेड, सी डिपार्टमेंट में आप सी कर रहे हो तो आप सी के हेड हो कोई एम कर रहा है तो वो सेल्स का हेड है यस yes? और कोई फिनेंस में हेड है फाइनेंस डिपार्टमेंट का कोई हेड है और कोई प्रोडक्शन मैनेजर है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड है एचओडी सब लोग कौन है एच ये कौन हूँ सी ये मैं हूं ठीक है ये सी का कौन है सल ओ, किसी और का एग्जाम्पल लेते हैं वंशिका है सेल्स का राधा है फिनेंस का नितिन है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कौन है सोनाली है ठीक है लेकिन हम भले ही अलग अलग डिपार्टमेंट department, डिपार्टमेंट्स के हैं बट हम लोग सब लोग कौन है हेड ऑफ डिपार्टमेंट है हम सब लोग एच ओ डी है और जब हम लोग आपस में बातचीत करते हैं तो ये कम्युनिकेशन को हॉरिजोंटल कम्युनिकेशन कहा जाता है क्या कहा जाता है यू गाइस हॉरिजोंटल कम्युनिकेशन वाई बिकॉज द कम्युनिकेशन इज लैटरल हम सब कोवर्कर्स है हम सब कंपनी के अंदर सेम स्टैटस में आते हैं अगर कोई डिरेक्टर दूसरे डिरेक्टर से बात कर रहा है तो वो लोग सेम लेवल पे है इसमें ऐसा नहीं है कि अरे ये तो मुझसे बड़ा है ये तो मुझसे छोटा है नो नथिंग डूइंग सो हॉरिजोंटल कम्युनिकेशन इज बेसिकली अ कम्युनिकेशन इन विच द कम्युनिकेशन इज हैिंग अमंगस्ट द पीपल ऑफ द सेम लेवल और सेम हैराकी जब आप भी स्टूडेंट हो और आप भी सी एस सी टी की स्टूडेंट से कभी बात करते हो तो इट्स ऑन द सेम लेवल यस ये सेम चीज कंपनी के अंदर होती है सो इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन जो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट के बीच होता है एक ही कंपनी के अंदर ऑब्वियसली ये इंटरनल कम्युनिकेशन ही है लेकिन सेम लेवल के लोगों पे हो रहा है सेम रैंक है उन लोगों का उनके बीच हो रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे सो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन रिलेटेड टू कम्युनिकेशन को वर्कर्सल कम्युनिकेशन और रिटिन कम्युनिकेशन दिस में इंक्लूड इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन बिटवीन क्रॉस डिपार्टमेंट एंड कैन बी बिटवीन पीपल ऑफ द सेम लेवल और सेम रैंक यस आपको क्या याद रखना है जो सेम लेवल के लोगों के बीच में होता है लिख लो अगर आपको याद नहीं रहता है तो कि जो सेम लेवल ऐसा कम्युनिकेशन जो सेम लेवल के लोगों के बीच में होता है उसे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहा जाता है हॉरिजॉन्टल बिजनेस कम्युनिकेशन कहा जाता है ऑल राइट आई वी गुड टू गो चलिए अब आज के लिए हम लोग एक लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं दैट इज एक्सटर्नल बिजनेस कम्युनिकेशन ये आज का लास्ट टॉपिक है लेट्स हैव अ लुक सो फिर से हमें कंपनी तो बनानी पड़ेगी मेरे ड्राइंग का मैं कैसे थोड़ा सा ना शो ऑफ करूँ आप लोगों के साथ ओके okay. तो ये है हमारी कंपनी दीदी कंपनी ऐसी टेढ़ी क्यों है ये लो सीधी कंपनी ठीक है हमारी कंपनी के अंदर बहुत ही अच्छी अच्छी खिड़कियां हैं रेड कलर की उसके बाद येलो कलर का बहुत ही अच्छा एक कोर्ट रूम है उसके बाद हमारे कंपनी के अंदर एक प्ले एरिया भी है गार्डन एरिया यस ये तो दीदी आपने झंडा ही बना दिया कंपनी का कंपनी के अंदर इंडिया का ठीक है ब्लू भी थोड़ा सा कुछ कर ही लेते हैं ये हमारे कंपनी का मेन सिटिंग एरिया है ओके चलिए यहाँ पर हम लोग सब आपस में बातचीत कर रहे हैं देखो हमारा जो ड्राइंग है ये देखकर कंप्यूटर ही हैंग हो गया है चलिए तो यहां पर हम लोग बैठे हैं हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं लेकिन हमें ना बिजनेस करना है रिलायंस कंपनी के साथ रिलायंस कंपनी ये कंपनी का जो ऑफिस है हमारे कंपनी के जस्ट बाजू में ही है और यहां पर हमारे पहचान के लोग भी काफी काम करते हैं पता है कौन कौन काम करता है जैनब काम करती है स्वाति काम करती है प्रियंका काम करती है यहाँ पे रिलायंस में तो क्योंकि अब ये लोग नो नहीं है तो हम लोग आपस में बातचीत कर रहे थे क्या कर रहे थे बातचीत कर रहे थे तो हमारी कंपनी के लोग कोई और कंपनी के लोगों के साथ या फिर कोई कस्टमर्स के साथ या फिर कोई भी कंपनी के बाहर वाले लोगों के साथ जब बातचीत करता है उसे क्या कहा जाता है उसे एक्सटर्नल बिजनेस कम्युनिकेशन कहा जाता है सो कम्युनिकेशन विद पीपल हु आर एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज एक्सटर्नल बिजनेस कम्युनिकेशन एंड एक्सटर्नल बिजनेस कम्युनिकेशन फेसिलिटी इंक्रीजिंग सेल्स वॉल्यूम इफेक्टिव ऑपरेशन एंड इंक्रीज इन प्रॉफिट जब हम बाहर वाले लोग से बात करेंगे तो क्या होगा हम हमारे कस्टमर्स से बात कर पाएंगे हम हमारे प्रोस्पेक्टिव जो बिजनेस पार्टनर्स है उनसे बात कर पाएंगे yes, इससे क्या होगा हमारा और अच्छा चल पाएगा क्योंकि जो वेंडर्स होते हैं जिससे हम लोग रॉ मटेरियल खरीदते हैं जो हमारे और लोग होते हैं वो सब बाहर वाले ही तो लोग हैं ना यार यस yes? तो जब हम बाहर वाले लोगों से बात करते हैं उसे क्या कहा जाता है एक्सटर्नल बिजनेस कम्युनिकेशन कहा जाता है सो आ वी डन आ वी गुड टू गो जल्दी से एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए यस समझ आया यहां तक चलिए ठीक है ड्रॉइंग एक नंबर बनी है ना पता है ऑल राइट एवरी वन सो विथ दिस वील टेक अ ब्रेक आई मीन वील कंटिन्यू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास फिर टुडे वी आर गुड टू गो आज के लिए हम यहीं पर हमारी क्लास को समाप्त करते हैं अगर आपको आज की क्लास पसंद आई होगी तो वीडियो को आपको लाइक करना है और आपको एक कमेंट मेरे लिए लीव करना है क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स आज के वीडियो पे कमेंट करेंगे कल जो हम लोग सेशन लेंगे उसमें हम लोग यही जो स्टूडेंट्स ने कमेंट किया होगा उनका ही एग्जाम्पल लेने वाले हैं ठीक है चलिए ऑल राइट एवरी वन विद दिसशन ऑफ टूडे थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन आई होप आपको पसंद आया होगा अगर आपको कोई भी सजेशन्स होंगे कोई भी क्वेश्चन होंगे कोई भी डाउट्स होंगे इन एनी केस आप मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बता सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन हैव अ वेरी गुड डे अहेड बाय बाय टेक केयर आउट जो अ वेरी हैप्पी सनडे टू ईच वन ऑफ यू बाय